प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड और इन्फ्लुएंजा रा मौजूदा हालात री समीक्षा खातर कीनी उच्च स्तरीय बैठक स्वास्थ्य खेतर में बुनियादी ढांचा और टीकाकरण री स्थिति माथे करे गयो विचार विमर्श। संसद रा दोनों सदन में पक्ष और विपक्ष कानिसु आज भी जारी रहो हंगामो। हंगामा रा बीच पाछे लोकसभा री कार्रवाई संध्या 6 बजे तई और राज्यसभा री कार्रवाई काल तई करी गई स्थगित। उदयपुर में जारी G20 सतत वित्त कार्य समूह री बैठक रो आज तीसरो और आखिरी दिन वैश्विक वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करवारा जतन माथे विचार विमर्श जारी। जैसलमेर जिला में विषाक्त भोजन रो मामलो आयो सामू। उपवासरी भगत सागर करवारे पाछे बिगड़ी लोगारी तबियत, प्रशासनिक अधिकारी लीनो स्थिति रो जायजो। और नवरात्रि रो आज दूसरो दिन, आज करी जा रही है माता ब्रह्मचारिणी री पूजा। जोबनेर री ज्वाला माता और इंद्रगढ़ री बिजासन माता रो राख्यो जा रहो है मेलो। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप रो स्वागत और अब समाचार विगतवार। देश रा कई इलाका में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा रा बढ़ता मामला रे बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक कीनी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सहित केंद्रीय स्वास्थ्य महकमा रा अहलकार मौजूद रहा। बैठक में स्वास्थ्य रा खेतर में बुनियादी ढांचा, टीकाकरण अभियान री स्थिति और कोविड रा नुवा वेरियंट रे साथ इन्फ्लुएंजा रा बढ़ता मामला माथे विचार विमर्श कर्यो गयो। मानी बैठक में प्रधानमंत्री इन स्थिति सु चौकस रह बारी बात कही। देश के कुछ भागों में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की बढ़ती महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, ICMR के राजीव बहल, नीति आयोग से VK पॉल, गृह सचिव अजय भल्ला और प्रधानमंत्री कार्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, टीकाकरण अभियान की स्थिति, कोविड के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया। साथ ही मरीजों, स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अस्पताल परिसर में मास्क पहनने और कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब वरिष्ठ नागरिक और गंभीर बीमारी वाले लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो मास्क पहने। साथ ही प्रधानमंत्री ने पर्याप्त बिस्तर और स्वास्थ्य मानव संसाधनों की उपलब्धता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के लिए आवश्यक दवाओं और जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि कोविड-19 महामारी खत्म नहीं हुई है और नियमित आधार पर देश भर में स्थिति की निगरानी करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वच्छता का पालन करने और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उचित व्यवहार का पालन करने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज और राज्यसभा रा सभापति जगदीप धनखड़ कानिसु आज पक्ष और विपक्ष रे बीच रा गतिरोध ने खत्म करवारा तमाम जतन रे पाछे भी हंगामो जारी रह्यो, जिणसु संसद रा दोनों सदन री कार्यवाही में रुकावट आई। हंगामा रे पाछे लोकसभा री कार्यवाही संध्या 6 बजे तई और राज्यसभा री कार्यवाही काल तई स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज कई खास विधायी काम निपटाए जाना है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने मानहानि रा एक मामला में सूरतरी अदालत में दोषी ठहराया गयो है और 2 बरस री सजा सुनाई गई है। अदालत राहुल गांधी ने मोदी उपनाम माथे आपत्तिजनक टिप्पणी ने लेर मानहानि रा मामला में IPC री धारा 504 रे तहत दोषी ठहराया हो। इनसे पहले राहुल गांधी आपरा कथन रा इरादा ने गलत नहीं बताता थका सजा कम करवारी अदालत से मांग की नहीं। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मानहानि मामले में सूरत की अदालत ने गुरुवार को 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है।
अदालत ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी करार दिया। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसी के साथ उन्होंने इस मामले में अपने लिए कम सजा दिए जाने की मांग की है। बता दें कि सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उनकी एक आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें मानहानि मामले में दोषी करार दिया है। हालांकि कोर्ट ने राहुल को इस मामले में जमानत दे दी है। मामले में ऊपरी अदालत में अपील के लिए उन्हें 30 दिन का वक्त दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं, कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है, और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। ये शिकायत इस बात पर थी कि उन्होंने 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम, सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्तौड़गढ़ सु लोकसभा सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान प्रदेश भाजपा रो प्रदेश अध्यक्ष बनायो है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उदयपुर में चल रही G20 सतत वित्त कार्य समूह बैठक रो आज तीसरो और आखिरी दिन है। बैठक रे दूसरे दिन सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त विषय माथे कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र शिक्षा जगत से कई क्षेत्रों से जुड़िया नुमाइंदा आपरा विचार पेश कीना। बैठक में G20 सदस्य रे बीच आपसी समझ बढ़ावा और सतत विकास रा लक्ष्य ने हासिल करबा का नीतियां बनावा में मदद मिलेगा। सतत विकास के लिए G20 स्थायी वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक का आज तीसरा और आखिरी दिन है। बैठक के दूसरे दिन सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों ने विचार और अनुभव प्रस्तुत किए। कार्यशाला में सामाजिक सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय प्रबंधन और भविष्य में वित्तीय जानकारी में सुधार के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। इससे G20 सदस्य देशों के बीच आपसी समझबूझ बनाने और सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। कार्यशाला में G20 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शहीद दिवस रे मौके झुंझुनू में जागरूकता रैली और सर्वधर्म प्रार्थना रखी गई। झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी, गांधी दर्शन समिति रा जिला अध्यक्ष मुरारीलाल सैनी और नेहरू युवा केंद्र री मधु यादव कहो कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देश खातर अपना प्राण नौछावर कर दिया है। मनारी याद में यह सर्वधर्म सभा रखी गई। Give me
छोटे तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका। चैत्र नवरात्रि रे मौके आज जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कानिसु पथ संचलन राख्यो गयो। पथ संचलन की शुरुआत गणेश मंदिर से हुई जो शहर का खास रास्ता सु होता थका फेरू गणेश मंदिर पूगर खत्म हो गई। आज नववर्ष का वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर संघ का हर वर्ष उत्सव मनाया जाता है। डॉक्टर साहब का आज जन्मदिन भी है जो और झूलेलाल जी का भी आज जन्मदिन है, तो ये सब त्यौहार भी मनाए जाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हमने नगर का एकत्रीकरण किया था और साथ में एक पथ संचलन का भी प्रदर्शन किया था, जो पथ संचलन करीब करीब 3 किलोमीटर के रास्ते से निकला और सारे बाजारों से निकलता हुआ हाथ से हाथ मिलाते हुए, और ये जो संदेश देना है कि हम सब साथ चलें और देश को इस प्रकार संगठित करें, देश मजबूत हो और समाज संगठित हो, यही हम सब संदेश देने के लिए आज हमने ये संचलन पथ संचलन किया था। पथ संचलन गणेश मंदिर से शुरू हुआ था और राजीव गांधी कॉलोनी भास्कर चौराया सुभाष चौक होकर के पुलिस लाइन होके और वापस इसी गणेश मंदिर के स्थान पर ही विसर्जन पूरा हुआ। जोधपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा तत्वावधान में आज अहिंसा मार्च रखो गयो। इन मौके सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा उपनिदेशक अनिल व्यास और गांधी दर्शन समन्वय समिति अध्यक्ष अजय त्रिवेदी पैदल मार्च ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पैदल मार्च में जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों से थी एनसीसी एनएसएस और स्काउट गाइड रा छात्र छात्रा में शिरकत कीनी। पैदल मार्च गांधी सर्किल से शुरू हुयो और शहीद स्मारक ताई पुग्यो जठे शहीद भगत सिंह री मूर्त माथे फूल चढ़ार मना श्रद्धांजलि दी गई। भारत के लिए गौरव की बात है कि आज शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं 23 मार्च को, जहां भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी ने अपना बलिदान दिया था इस देश को आजाद कराने के लिए। आज का दिन युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। जिस तरह एक 23 साल के नौजवान ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को बलिदान दिया था, उसी तरह आज देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसको मिटाने के लिए युवाओं की बहुत अधिक आवश्यकता है। ये शहादत का सबसे बड़ा दिन है हमारे भारतीय इतिहास का और उनको हम नमन करते हैं। इस पर भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी ने जिस तरीके से देश के लिए हंसते हंसते प्राणों का न्यौछावर कर दिया था, हमारे देश की युवा पीढ़ी को इसी जज्बे की जरूरत है। आज यहाँ पे एक रैली निकाल रहे हैं, एक मार्च निकाल रहे हैं जो उनकी शहादत को सलाम कर रहा है, इसमें सारे युवा सम्मिलित हुए हैं। जैसलमेर जिला में विषाक्त भोजन रो मामलो सामू आयो है। चैत्र नवरात्र रे पहले दिन स्थानीय लोग उपवास रे पाछे सागार की नहा, जिनसु महिला मां टाबर और पुरुषारी तबियत बिगड़ गई ही, जिनने पाछे अस्पताल में भर्ती करायो गयो। जैसलमेर रा मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी बी एल बुनकर, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सेती प्रशासनिक अधिकारी मौका माथे पूगर स्थिति रो जायजो लीना। चैत्र नवरात्रारो आज दूसरो दिन है। इन दिन मां भगवती रा दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी री पूजा अर्चना करी जावे है। आज स्वारस हुई देवी मिंद्रा माए मां भगवती री विशेष आराधना करी जा रही है। मंदिरा ने भी खास तौर से सजायो गयो है।
चैत्र नवरात्रा रे मौके जयपुर रा जोबनेर में स्थित ज्वाला माता मंदिर में इन दिन चैत्र नवरात्रि रोसालानो मेलो राख्यो जा रह्यो है। मेला में बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता रा दर्शन खातर पोग रहा है। मंदिर रा पुजारी महंत बनवारी पाराशर बतायो कि मेला रे मौके श्रद्धालुआ खातर खास इंतजाम कराया गया है। ज्यादा जानकारी माखा संवाददाता राहुल शर्मा इन रपट में। जोबनेर ज्वाला माता मंदिर में आज जितनी नवरात्रे हैं और लगभग 20-30 हज़ार आदमी दर्शन करके और चल रहे हैं बराबर। और लगभग यहाँ दौसा, करौली, महुआ, इंदौर, जयपुर, दिल्ली, ऑल इंडिया से लगभग कई यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि रे मौके बूंदी जिला रा इंद्रगढ़ माए बीजासन माता रो मेलो राख्यो जा रह्यो है। अठे आखा देश तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करवा खातर आ रहा है। मानी श्रद्धालु बीजासन माता रा दर्शन कर आपरी मनोकामना पूरी होबरो आशीर्वाद मांग रहा है। बतायो जावे है कि यह मंदिर 1100 बरस पुरानो है। बीजासन माता रा दरबार में अखंड ज्योति भी जलती आ रही है। माता जी के दरबार में हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज इंद्रगढ़ माता जी के नवरात्रा में प्रथम दर्शन, दूसरे दिन के दर्शन हो रहे हैं और काफ़ी लोग यात्री पधार रहे हैं, खूब दर्शन कर रहे हैं, खूब माता जी के मेले में आनंद ले रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और अच्छी सुविधा है। भाई हम कोटा से आए, हमारी बीजासन माता जी के नाम से हम जानते हैं, हमारे फुलवाली माता जी को नाम से, वैसे तो वैष्णो माता जी हैं, फिर ये भी हमारी इंद्रगढ़ की और यहीं पर ही हम पुराने काफ़ी टाइम से बाबा के समय से यहाँ से रहते हैं। क्या इसकी मान्यता रखी थी, यह तो चुका है, इसकी मान्यता रखी थी जिसको दुकान के लिए आया। बीजासन माता का मंदिर जो है करीब 1100 वर्ष पुराना है। कृपानाथ जी ने तपस्या की थी तो देवी उनके स्वप्नों में आई थी और जब ये प्रकट हुआ था, और करीब 400 साल का तो इसका इतिहास मौजूद है, क्योंकि इतिहास में इसका उल्लेख है। जब इंद्रगढ़ की स्थापना हुई थी तब से ये मंदिर है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इसमें विशेषतर राजस्थान के पूर्वी ज़िले हैं जो है मालवा में रतलाम, उज्जैन तक, ग्वालियर संभाग पूरा यहाँ आता है। इसके अलावा हरियाणा से बंजारा समाज जो है हरियाणा का बहुत तादाद में आता है। ये CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ऊपर सीढ़ियों से लेकर जाप तक तैनात रहता है, सुरक्षा के माकूल प्रबंध है। जापता है करीब 70-80 आदमी है, होमगार्ड का है और पुलिस का है। माता रानी के जो 700 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते हैं, जैसे पैरालाइस है, अपंग है, बोलने में तुतलाते हैं, तो यहाँ माता रानी की अखंड ज्योति जली हुई है, उसके झाड़े से ही बिल्कुल बीमारी ठीक हो जाती है। आखा प्रदेश में चेटीचंड रो पर्व श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनाये जा रहे है। राजधानी जयपुर स्थित पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर महानगर कानीसू चेटीचंड रे मौके भगवान झूलेलाल री पूजा अर्चना कर जन्मोत्सव मनाये जा रहे है। कई ठोरा माथे शोभा यात्रा भी काढ़ी जा रही है। भगवान झूलेलाल इष्टदेव हैं, क्योंकि बादशाह वृक्षा को उन्होंने समझाने के लिए और उनको जो अत्याचार कर रहे थे और अवतार लिया, उस अवतार को हम लोग इष्टदेव के रूप में मानते हैं। भगवान झूलेलाल को आज उनका दिन है। आप सबको, मीडिया को विशेष, जो हमारा प्रचार प्रसार करते हैं, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और नववर्ष की चैत्र शोभा एकम की चेटीचंड की बधाई बधाई बधाई। सभी सनातनियों के लिए बहुत गर्व और हर्षोल्लास का दिन है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वर्ण अवतार भगवान श्री झूलेलाल ने अवतरण लिया और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है समाज को, सर्व समाज को जो है समर्पित करते हुए वो अंतर ध्यान हुए, लीन हुए। 1073वीं श्री झूलेलाल जयंती पर आज पूरे विश्व में न सिर्फ सिंधी समाज बल्कि हर सच्चा सनातनी जो है इस पर्व को मना रहा है। सिंधी समाज रा आराध्य देव भगवान झूलेलाल री जयंती रे मौके आज दौसा में भी कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। मानी
इंडरे तहत लोगों ने ठोर ठोर शरबत पिलाए जा रो है। सिंधी समाज का निसु या परब हरख ने उलासरे साथे मनाए जा रो है। आज हमारा झूलेलाल जयंती का पर्व है, इसमें हम शरबत पिलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। ये हमारे सिंधी परंपरा का धर्म है, इसको हम निभाते हैं। ये हमारा झूलेलाल साईं ने अवतार लिया था सिंधियों की रक्षा के लिए, इसलिए हम ये पर्व हर साल मनाते हैं। बहुत ही हर्षोल्लास से हर साल इस पर्व को मनाते हैं। चैत्र नवरात्र रे पहले दिन जयपुर रा गलता पीठ में नव संवत्सर मनाया गयो। इन बगत 31,000 दीपक जलाया गया। इन में जयपुर रा रहवासियों से देशी परदेशी सैलानी भी खूब चाव सु शिरकत की ना। गलता पीठ रा पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य बतायो कि गलता पीठ में 9 दिन री खास पूजा अर्चना रखी गई है, जिन री पूर्णाहुति नवमी रे दिन वेला। इकतीस हजार दीपकों से इस नववर्ष का संबत 2080 का स्वागत यहाँ किया गया है। इसमें सारे समुदाय से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस आयोजन में विशेष रूप से हमारे महंत नरेंद्र जी ने जो है विशेष योगदान करते हुए ये आयोजन बहुत श्रेष्ठ रूप में यहाँ संपन्न कराने की चेष्टा की और ये बहुत ही एक भव्य आयोजन के रूप में सब लोगों ने इस भावना से कि नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, वो सब यहाँ इस पवित्र धाम में एकत्रित हुए। 31,000 दीपकों से हमने नववर्ष का स्वाहा प्रारंभ कर शुभकामनाओं को अर्पित की सभी जयपुरवासियों। जोधपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल रो समापन हो गयो। फेस्टिवल रा समापन सत्र में नाट्य निर्देशन के बदलते स्वरूप विषय माथे विचार विमर्श कर गयो। इनरे पाछे हमारी नीता की शादी हास्य नाटक रो मंचन भी कर गयो, जिनसु दर्शका ने घणो आनंद आयो। 3 दिन रा इन अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल में के नाटक खेलिया गया। अभी हम आप देख रहे हैं कि 5 दिवसीय हमारा ये जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है और ये पहली बार हो रहा है और उसमें हम लोगों ने दुबई से, उज्बेकिस्तान से, जबलपुर से और 3 नाटक मुंबई से बुलाए हैं। तो कलाकारों में एक ऊर्जा आती है जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और उसके साथ मैं देख रही हूँ कि न सिर्फ कलाकार, जोधपुर के जितने भी दर्शकगण हैं वे भी बहुत आनंद ले रहे हैं। दौसा जिला क्रिकेट संघ रा चुनाव आज पूरा हो गया। इन चुनाव में अशोक शर्मा ने अध्यक्ष, प्रदीप नागर ने सचिव और संतोष तिवाड़ी ने कोषाध्यक्ष चुने गयो है। ये चुनाव निर्विरोध तरीका से पूरा होया। इनके साथ चुनाव में 4 उपाध्यक्ष, 4 संयुक्त सचिव और 9 कार्यकारिणी सदस्य भी निर्विरोध चुना गया। आज दौसा क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें इस एसोसिएशन के तहत रजिस्टर्ड जितने भी क्रिकेट संघ थे उनके पदाधिकारी और सदस्यों ने भाग लिया और अध्यक्ष के रूप में श्री अशोक जी शर्मा, सचिव के रूप में प्रदीप जी नागर और ट्रेजरर के रूप में संतोष जी तिवाड़ी चुनावित हुए, चयन किया गया। एकल सिंगल नामांकन थे, निर्विरोध चुनाव थे। आज किसी प्रकार की वोटिंग नहीं हुई और निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से चुनावों की देखरेख के लिए मुझे पर्यवेक्षक घोषित किया था। सारी चुनाव प्रक्रिया देखी, निष्पक्ष रूप से चुनाव अधिकारी जी ने संपन्न कराई, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। दौसा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जो निर्विरोध कमेटी चयनित की गई है, मैं उन सभी को चयनित नागर साहब सेक्रेटरी अध्यक्ष इनको बधाई देता हूँ, जो बरसों से दौसा जिले में क्रिकेट के लिए प्रगति के लिए लगे हुए, इसी तरह से कार्य करते रहे और आगे बढ़े, खेलों को आगे बढ़ाए।
और प्रदेश में लगातार चाल रहा पश्चिमी विक्षोभ रा असर रे कारण राज्य रा कई इलाका में बिरखारे साथे ओला पड़ा। मौसम महकमा जयपुर रा केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आज सु एक आर फेरू एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वेला जिनसु जोधपुर बीकानेर संभाग और पूर्वी राजस्थान रा कई इलाका में बादला गरजबारा साथे आंधी आबा बिरखा होबा और ओला पड़वा री गतिविधियां में बढ़ोतरी हो सके है। और बुलेटिन आखिर में खास खास समाचार एक आर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड और इन्फ्लुएंजा रा मौजूदा हालात री समीक्षा खातर कीनी उच्चस्तरीय बैठक। स्वास्थ्य रा खेतर में बुनियादी ढांचा और टीकाकरण री स्थिति माथे करियो गयो विचार विमर्श। संसद रा दोनों सदन में पक्ष और विपक्ष कानीसू आज भी जारी रहो हंगामो। हंगामा रे बीच पाछे लोकसभा री कार्यवाही संजा 6 बजे तई और राज्यसभा री कार्यवाही काल तई करी गई स्थगित। उदयपुर में जारी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक रो आज तीसरो और आखिरी दिन। वैश्विक वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करवारा जतन माथे विचार विमर्श जारी। जैसलमेर जिला में विषाक्त भोजन रो मामलो आयो सामू। उपवास री बगत सागर करवारे पाछे बिगड़ी लोगारी तबियत। प्रशासनिक अधिकारी लीनो स्थिति रो जायजो। और नवरात्रि रो आज दूसरो दिन। आज करी जा रही है माता ब्रह्मचारिणी री पूजा। जोबनेर री ज्वाला माता और इंद्रगढ़ री बीजासन माता रो राख्यो जा रहो है मेलो। और साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।